अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलाम मुस्तफा इस्लाम स्ट्रीट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से बहरिया टाउन कराची के अंदर आज हम एक लोकेशन पे मौजूद हैं जहां पे हमारा 500 स्क्वायर यार्ड का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और हमने उसे हैंडओवर किया है। तो मेरे साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद हैं सैफुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइन। सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। एक माइलस्टोन हमने अचीव किया आज और एक बड़ा प्रोजेक्ट है डेफिनेटली 500 स्क्वायर यार्ड का। तो इसकी कंस्ट्रक्शन या ओवरऑल बहरिया टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप फर्दर क्या रिमार्क्स देना चाहेंगे? पहले तो ये मेरी टीम पूरी की कामयाबी है आज अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ विला हैंडओवर किया, इनफैक्ट जो विला होता है, घर जो होता है, वो हर एक का ड्रीम होता है। तो उस ड्रीम के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना या खुश करना, ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है एक बिल्डर के लिए या एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि ये विला हैंडओवर भी हुआ है और हमारे क्लाइंट्स जो हैं बड़े इस चीज़ से हैप्पी भी हैं और बड़े जिसे कहते हैं कि एंड जो होता है वो हमेशा मैटर करता है, तो वो बड़ा हैप्पी एंडिंग माशाल्लाह ये हमारा राज। दूसरी बात ये कि जो कंस्ट्रक्शन है पिछले 2 साल से अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारी वेरिएशन आई हैं, प्राइसेस को लेके, मटेरियल को लेके, लेबर को लेके फ्लक्चुएशन बहुत सारी आई। उस फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग फिर डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग मटेरियल की भी कॉस्ट और वो उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा। लेबर के और जो हमारे कारीगर होते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी उनकी अवेलेबिलिटी और उनके काफ़ी सारे में मसाइल फेस करना पड़े। उसकी वजह यह कि बहरिया टाउन चूँकि एक साइड पे है, सिटी से हटके है, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये काम करते हैं, वो सिर्फ यहीं का काम कर सकते हैं। सिटी में तो ये है कि किसी एक एरिया में काम करते हैं तो कनेक्टिंग काफ़ी सारे एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे जो आएगा वो सिर्फ बहरिया टाउन का काम करेगा। तो अगर बहरिया टाउन की मार्केट बहुत अच्छी जा रही है कंस्ट्रक्शन को लेकर, अगर हम बात करते हैं, बड़ी स्पीड से काम हो रही है, विलाज बहुत बन रहे हैं, बिल्डिंग बहुत स्पीड से बन रही है, तो फिर यहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं या जो कारीगर हैं या जो लेबर है या वो लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ईज होती है। लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन की पेस स्लो होती है, जैसे आजकल पिछले 2 साल का मैंने जिक्र किया स्लो है, तो हमें मटेरियल के साथ साथ यहाँ पे टेक्निकल लोग और जो हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर उनकी अवेलेबिलिटी और वो भी हमें बहुत सारा फेस करना पड़ा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि अगर आप रेगुलर काम करते रहते हैं तो लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं, भले वो वेंडर होते हैं आपके, भले वो आपके लेबर के लोग हैं, भले वो टेक्निकल जो स्टाफ है वो है, या इसके अलावा बाकी जो हेल्पिंग स्टाफ है वो आपके साथ इंगेज रहता है। एट द सेम टाइम आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाते हैं, उनको डिलीवर करते हैं, फिर आपका जो जो क्लाइंट्स है या वो लोग जिनको आप अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर करने जा रहे हैं वो उससे सेटिस्फाई हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सफ़र है कि आप जूँ जूँ सफ़र तय करते हैं तो आपका कारवां जो है वो बढ़ता चला जाता है, तो आपके साथ जुड़ने वाले लोग जो हैं वो जुड़ते जाते हैं, और आपके साथ जब लोग जुड़ते हैं, जब आपके साथ लोगों का रोज़गार जुड़ता है, जब लोगों के आपके साथ उम्मीदें जुड़ती हैं, लोगों का आपके साथ कंसर्न डेवलप होता है, तो फिर ये इसमें अल्लाह की तरफ से भी एक बरकत और एक मुसीबत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे सफ़र हमने तय किए और आज आपके सामने एक प्रोजेक्ट आपने देखा है, हमने हैंडओवर किया। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी जो इसमें आज के दिन के लिए खुशी की बात है वो ये कि हमारा क्लाइंट जो है वो हमारे थ्रू आउट जर्नी जो उनके साथ रहा है, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन का फेज़ बड़ा इसमें अप्स एंड डाउन भी होते हैं, कभी पेस कम हो रही है, कभी पेस तेज़ हो रही है, कभी क्लाइंट आता है तो उसको किसी एक स्टेज पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि ये यहाँ पे जो चीज़ लग रही है, ये जो मटेरियल लग रहा है या ये जो कारीगर ने काम किया ये मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट सफ़र हमारा बहुत पॉजिटिव रहा और बहुत जिसे कहते हैं, और आज ये सफ़र कम्प्लीट हुआ तो वो भी बड़े अच्छे अंदाज में कम्प्लीट हुआ है। और एट द सेम टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ये क्लाइंट है बहुत हाई प्रोफाइल है, ऐसा नहीं है कि कोई एक एवरेज विला या एवरेज ज़ौक वाला बंदा है, नहीं, बड़े इंतहाई जिसे कहते हैं, अभी आप विला विज़िट कर रहे हैं साहब, आप देख रहे हैं, बड़े ज़ौक से बनाया गया और बड़े जिसे कहते हैं चूज़ी क्लाइंट जैसे होते हैं, सिलेक्टेड फिनिशिंग से अभी मटेरियल डलवाया उससे आपको सारा अंदाज़ा होता है। तो ये सारे वो मराहल हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हुए। सर थैंक यू सो मच जी। शुक्रिया।